हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। आज के इस विशेष प्रसारण में हम बात करते हैं कोरोना के तीसरी लहर की। और अगर बिहार की बात करें तो जहां देश में 37,000 कोरोना पॉजिटिव हो गया, एकाएक अचानक बढ़कर छलांग लगाते हुए बिहार का आंकड़ा 500 पार कर गया है। दरभंगा की बात करें तो इस लहर में जो 28 दिसंबर से जांच में पॉजिटिव आना शुरू हुआ, संख्या हो गई है 31, जिसमें मंगलवार को जांच में 12 पॉजिटिव मिले, 8 निजी जांच घर में जबकि 4 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जांच घर में। और सबसे बड़ी बात, इस 12 में जहां एक ही मधुबनी के एक संक्रमित हैं, बाकी ये 11 ये दरभंगा जिले के हैं, जिसमें बहेरी के 1, हायाघाट के 2, मिल्कीचक के 1, किला घाट दरभंगा शहर के 3, करमगंज के 1, तो 12 पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि कोरोना वार्ड में कोई भर्ती नहीं हुआ है, सभी को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। तो ये तीसरी लहर समय से पहले ही दिसंबर के आखिरी में इसने ट्रेलर दिखाना शुरू किया और कोरोना ने 2022 में भी जनवरी में फन फैलाना शुरू कर दिया है। तो एक खतरनाक संकेत कोरोना की तीसरी लहर, आप इसे कह सकते हैं, मान सकते हैं। राज्य के जदयू कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू ललन सिंह समेत 5 कार्यकर्ता पॉजिटिव पाए गए हैं, वहां कार्यालय बंद कर दिया गया है। जबकि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के में जो मरीज और डॉक्टर सहित 100 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये कोरोना विस्फोट हुआ है वहां। और दरभंगा में भी जहां एक दिन पहले 8 संक्रमित मिले थे, मंगलवार को संख्या बढ़कर 12 हो गई है। कुल संक्रमित इस लहर में 28 दिसंबर के बाद से 31 हो गई है। पुनः बता दें आपको, 12 संक्रमित में मधुबनी के 1 हैं, जबकि दरभंगा के ये 11 संक्रमित हैं, हायाघाट के 2, बहेरी के 1, मिल्कीचक के 1 और दरभंगा शहर के करमगंज के 1 और किला घाट के 3 संक्रमित हैं। इन सभी को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। तो सतर्कता गई, दुर्घटना हुई वाली बात, कोरोना की पहली और दूसरी लहर को याद कर सतर्कता बरतने की जरूरत और सोशल डिस्टेंस कायम रखने की जरूरत। इस भीषण ठंड में भी कोरोना का कोहराम स्टार्ट शुरू और इससे बचने की जरूरत। लेकिन अच्छी खबर ये इसमें कि जो कोरोना का ये कोहराम है, ये वैक्सीन लेने वाले जो संक्रमित हुए हैं उन पर कम असर कर रहा है। ये सबसे बड़ी खबर, अच्छी खबर, सुकून देने वाली खबर। लेकिन फिर भी चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना संक्रमित का जो शरीर का अंग है, पार्ट है, कहीं ना कहीं वो डैमेज कर रहा है और ऐसे में जो कमजोर होंगे उन्हें क्षति पहुंचाएगी ये कोरोना और फिर मौत का शिकार भी हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, घबराने वाली खबर ये कि कोरोना विस्फोट, लेकिन सुकून वाली अच्छी खबर ये कि कोरोना का जो कोहराम है, कहर है, उसमें मौत की संख्या कम है। दरभंगा अस्पताल में बेड तैयार रखा गया है, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर उसका ट्रायल हो चुका है और ऐसी स्थिति में सभी चिकित्सकों को अलर्ट मोड में कर दिया गया है और होम आइसोलेशन में सतर्कता हिदायत के साथ मरीज को अलग रखने के लिए कहा गया है। तो ये दरभंगा शहर की बात हम आपको बता रहे हैं कि वहां भी मिले हैं ये पॉजिटिव और ऐसे में जांच का दायरा बढ़ता है तो संक्रमितों की संख्या और बढ़ेगी। तो भीड़ भाड़ से बचने की जरूरत, कोरोना की दूसरी और पहली लहर को याद करने की जरूरत। इधर कोरोना का कोहराम, लेकिन किशोरों को कोरोना कवच देने का काम सोमवार से ही प्रारंभ हुआ और इसकी विधिवत शुरुआत एक दिन पहले उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने की। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल पोलो मैदान के पास से विभिन्न केंद्रों पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों, किशोर किशोरियों को कोरोना टीका लगाने का काम प्रारंभ हुआ है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन दोनों जारी है। यानी कोरोना भले कोहराम मचाए, कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी है।
हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। बात करते हैं मौसम की। जी हां, लगातार शीत लहर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे दिन देश के कई हिस्सों में शीत लहर का कहर है। दरभंगा भी उससे अलग नहीं है। आसमान में धुंध और बादल छाया हुआ नजर आया, बीच में कभी कभी संघर्ष करता हुआ सूरज दिखा, लेकिन वह कमजोर पड़ता दिखा। ठंड से बचने के लिए मंगलवार को भी कई जगह लोग लकड़ियां अलाव जलाकर गर्मी लेते नजर आए। कई लोगों से हमने बात किया, सरकार और प्रशासन से अपेक्षा ज्यादा, लकड़ियां कम, हर जगह यही स्थिति, कहीं सरकार द्वारा तो कहीं स्वयं अपनी स्थिति द्वारा, कहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा, और ऐसे में चौक चौराहों पर गर्माहट लाने की कोशिश, भीषण शीतलहर से लड़ने की कवायद। का बांस बच्ची कोड़ो इलास्टिक प्लास्टिक जंगल यही सब जला रहे हैं एकदम, कुछ भी नहीं चाहिए नगर निगम को। यहाँ पे कम से कम नगर निगम को होना चाहिए कि लकड़ी गिराना चाहिए जिला स्कूल के पास। चप्पल जूता जला हुआ है, लकड़ी का कोई साधन नहीं है यहाँ पे। दुकान में से कम टैट ट्यूब ला के जला के आग तापा जा रहा है। बहुत ठंडा पड़ रहा है के जान बचा रहा है, चद्दर उधर के साथ जान बचा रहा है। लकड़ी तो हम लोग अपने पास से जला है, यहाँ पर घर से मिला है, या पैसा वैसा होता है खरीद के लिया है। हाँ देखते तो है, आगे जलता उलता रहता है, अब चौक चढ़ा पड़ता है, आग जलता है। हम तो ध्यान नहीं दिए है इस इलाके में, ऐसा में भी जलना चाहिए जहाँ। और बात शीतलहर और कोरोना के बीच से राजनीतिक सरगर्मी की भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी ने मीडिया के माध्यम से लोगों से बात करते हुए कहा, नया साल की मुबारक देते हुए कि नई ऊर्जा के साथ दरभंगा विकास की गाड़ी आगे बढ़ाएगा, मिथिलांचल का विकास होगा। केंद्र सरकार से भी उन्होंने मांग की, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दर्जा देने की मांग। जातिगत जनगणना होने पर जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव पर बोलते हुए फातमी ने कहा कि अध्यक्ष पद के चुनाव में सीता देवी मात्र एक मत से हारी है, और यह कहा इससे कहीं भी कुछ गद्दारी की बू आती है, सीता देवी जी को बेईमानों और गद्दारों ने हरवाया है, उपाध्यक्ष पद पर लेकिन राजक की जीत हुई है। कभी लालू यादव के सिपहसालार रहे, लगातार महापौर चुनाव से लेकर जिला परिषद चुनाव में गंभीरता लालू यादव के दिखाने के वाले अली अशरफ फातमी वर्तमान में नीतीश कुमार के हैं, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए उन्होंने यही रोल अपनाया। बदकिस्मती से अध्यक्ष चुनाव में एक मत से उनका कैंडिडेट, उनका उम्मीदवार पराजित हुआ, लेकिन उपाध्यक्ष सीट पर बड़े अंतर से जीत मिली। अब देखना है कि अगर ये दांव हाईकोर्ट कोई आदेश नहीं देता है तो महापौर के चुनाव में भी दलीय मुकाबला होगा या फिर अलग निर्दलीय रूप में ये मौन बैठेंगे। बहरहाल एक वोट से हार को वे गद्दारी मानते हैं, क्योंकि चार वोट रिजेक्ट हुआ है और इशारा उनका उसी ओर था। उन्होंने कहा कि 2022 विकास का वर्ष होगा, एम से लेकर फोर लेन और सिक्स लेन में कन्वर्ट होगा, हवाई अड्डा का विस्तार होगा, तारा मंडल बनेगा, सोलर एनर्जी जो प्रोजेक्ट है वह भी चालू होगा, दरभंगा में विकास के आयाम 2022 में दिखेंगे। और ये नया साल है, हम लोग नए अज़्म के साथ और नए इरादे के साथ किस तरह से दरभंगा का विकास हो, किस तरह से मिथिलांचल का विकास हो और पूरा देश आगे बढ़े, हम लोग
नए साल में यही अहद किया है कि इसके लिए जो कुछ भी योगदान हम लोगों के तरफ से होगा और जो सरकार नीतीश जी की सरकार चल रही है पटना में, उनका जो भी योगदान होगा उसको बड़े पैमाने पर इस इलाके में हम लोग लाने का काम करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी कुछ दिनों पहले उन्हीं कामों का विस्तार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहां तशरीफ लाए थे, कुशेश्वर स्थान गए और अपने किए हुए वादे के मुताबिक उन्होंने सभी परियोजनाओं का ऐलान भी किया है, कुछ का फाउंडेशन भी किया है। साथ ही वो यहां भी आए थे, जो प्रस्तावित एम्स है और डीएमसीएच के जमीन को लेकर के कुछ मामला थे उसको भी उन्होंने स्वयं देखा। और बड़ी खुशी की बात है कि डीएमसीएच को भी 50 एकड़ से ऊपर की जमीन मुहैया कराई गई है। आप जानते ही हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए और हॉस्पिटल के लिए जो मापदंड रखा गया है 25 एकड़ का, उससे दोगुनी जमीन अब हमारे डीएमसीएच के पास होगी। तो इससे बड़ी बात अब कुछ नहीं हो सकती है कि हमारा एम्स भी आ जाएगा और डीएमसीएच को भी पूरी जगह जमीन, और जब सब टूटेगा तो नई नई बिल्डिंग का तामीर भी होगा। नक्शे के ऊपर उसको आप आसानी से देख सकते हैं, एम्स, एयरपोर्ट, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं वो बन गया तो ये इलाका अब इसको तरक्की से रोका नहीं जा सकता। हर लिहाज से इस इलाके को अब आगे ही बढ़ना है, क्योंकि फोर लेन से जुड़ गया पहले, अब दूसरा एक सिक्स लेन आ रहा है, तो उसके बाद तो आप समझ लो कि किसी चीज की कोई कमी दरभंगा में होने वाली नहीं है। और ज्योग्राफिकली दरभंगा ऐसी जगह पर है जिसमें आप कहीं से भी गुजर के आओ दरभंगा से, आपको नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए आसानी है यहां से इलाज के लिए आने में, यहां से जहाज पकड़ने में, यहां या यहां पे कुछ भी और भी डेवलपमेंट का काम हो, खास तौर से ये एजुकेशन हब हो सकता है जिसकी शुरुआत पहले से हुई और फिर हमने भी उसमें हाथ बटाया है, आगे बढ़ाया है, उस पर भी काफी काम होने की गुंजाइश मौजूद है। कुछ कमी है तो इसमें भारत सरकार को स्पेशल राज्य का दर्जा, जो नीतीश कुमार जी की एक जमाने से मांग रही है, उस पर विचार ही नहीं है, अमल करना चाहिए भारत सरकार को, और स्पेशल पैकेज की शक्ल में हो, स्पेशल पिछड़े राज्य का दर्जा देकर मदद करने का की जरूरत हो। बिहार को जरूरत है पैसों की और उसमें भारत सरकार मदद कर सकती है। एक जगह 18 वोट से हमारे उपाध्यक्ष के उम्मीदवार जीतती हैं और दूसरे एक वोट से हार जाती हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये सवाल तो उन लोगों से करिए कि उनको 22 वोट अध्यक्ष के चुनाव में मिलता है और 13 वोट उनको उपाध्यक्ष के उम्मीदवार को मिलता है, ये 9 वोट कहाँ चला गया उनका? इसका मतलब यह है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अलग अलग लड़ा था। कब? कल जो फैसला आई है। नहीं, ये बिल्कुल ही ये बिल्कुल गलत है और हम लोग सभी मिलजुल के लड़े थे। पूरा जो भी ये गठबंधन है ये मिलजुल करके ईमानदारी से लड़ा था और कुछ लोगों ने, मैंने कहा, गद्दारी किया। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है,
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक हुई मंगलवार को नरगौना स्थित कुलपति के आवासीय कार्यालय में। कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। कुल सचिव मुश्ताक अहमद ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की रेगनापूर्ति पूरा होने की सूचना दी। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी शिरकत किया। बैद्यनाथ चौधरी, मीना झा इत्यादि ने अपनी बातें रखी। पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार चौधरी ने कई प्रस्ताव लाकर उसे बहाल करने की बात कही। अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित रहे थे वे, और उन्होंने पत्र के माध्यम से 4 प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सभी सदस्यों को उनके बहुमूल्य विचारों और दिशा निर्देशों के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनके विचार विश्वविद्यालय के लिए निश्चय ही उपयोगी सिद्ध होंगे। बैठक में कुलपति सिंह के अलावा प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा, सांसद गोपाल जी ठाकुर, अजय नाथ झा, अध्यक्ष छात्र कल्याण विजय कुमार यादव, लक्ष्मेश्वर राय, फैयाज अहमद, इम्बेसाद शौकत, मीना झा, अमर कुमार, हरिश्चंद्र झा, राजेंद्र शाह, जयशंकर प्रसाद, आनंद मोहन झा, सुजीत कुमार पासवान, धनेश्वर प्रसाद सिंह, प्रेम मोहन मिश्र, अशोक मेहता, दिलीप कुमार चौधरी, बैद्यनाथ चौधरी बैजू विशेष आमंत्रित के रूप में वित्तीय परामर्शी कैलाश राम की उपस्थिति थी। मुश्ताक अहमद कुल सचिव के रूप में सदन की कार्यवाही उन्होंने संपादित किया।